सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऐश्वर्या मिश्रा एंड गाइस दिस टाइम यू आर वाचिंग ऐश्वर्याज वर्कशॉप। एंड गाइस, बहुत टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के बाद में ही पर पेंट का काम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैं रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। एंड अब मेरे घर पर वाइट वॉश का काम ख़त्म हो गया है। सो आज मैं 2 अक्टूबर के लिए, गांधी जयंती के लिए, एक गांधी जी का मॉडल बना रहा हूँ विद पेपर। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट ऑन दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन दी बेल आइकॉन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हेयर यू कैन सी मैंने एक स्किन कलर का पेपर लिया है। एक्चुअली मैं ये स्किन कलर का नहीं था, मैंने उसके ऊपर स्किन कलर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक कप लूँगा, पेपर कप मैंने यूज़ किया है। एंड अब मैं उसका यूज़ कर इसके अराउंड एक सर्कल बना लूँगा गांधी जी के फेस के लिए। एज यू कैन सी अब मैं उनकी बॉडी बनानी स्टार्ट करूँगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी नेक बनाऊंगा एंड नाउ अब मैं उनकी बॉडी बनाऊंगा। बॉडी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई गलती से। बाय द वे, मुझे फेस का साइज ठीक लग रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब बड़ा लग रहा हो तो फिर आप इसको थोड़ा बहुत छोटा बना सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पर से ये एक सीजर से मैं इनकी बॉडी को कट कर रहा हूँ नेक के साथ। अब मैं ने पूरी की पूरी बॉडी जो है एज यू कैन सी कट कर ली है। अब मैं यहाँ पर से नेक को कट कर लेता हूँ। एंड ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इनके फेस को कट करता हूँ। एज यू कैन सी मैं किस तरीके से इनके फेस को मतलब उस सर्कल को मैं कट कर रहा हूँ। एंड अब हमारा ये पूरा सर्कल भी कट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर स्किन कलर के पेपर का एक पीस लिया एंड अब मैं उसे हाफ फोल्ड कर रहा हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर एक लेग बना रहा हूँ गांधी जी का, एक पैर। मैंने सिर्फ उसके नीचे का पार्ट बनाया है बिकॉज बाकी पूरा पार्ट जो है वो तो उनकी धोती से ऐसे कवर हो जाएगा। मैंने फोल्ड इसलिए किया ताकि मुझे दो सेम पीसेस मिले, क्योंकि अगर मैं ऐसे करता तो फिर किसी का साइज बड़ा हो सकता था, किसी का छोटा हो सकता था। इस वजह से मैंने जो है इनके पीसेस वो सेम रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैंने ये दो पेपर के स्ट्रिप्स कट कर लिए। अब मैं यहाँ पर इनकी धोती बनाऊँगा। उसके लिए मैंने इनके बॉडी के हिसाब से मार्किंग ले लिए एंड अब मैं इनकी धोती बना रहा हूँ। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेम डिज़ाइन बनाना है। अब मैं यहाँ पर से इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बनाऊँगा कर्व देके। और अब मैं ये जो सेंटर लाइन है इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाऊँगा पूरा। एंड अब मैं यहाँ साइड में से भी लाइन खींच दूँगा। अब मैं यहाँ नीचे दो सर्कल्स बनाऊँगा उनके ग्लासेस के लिए। एंड अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा। एक स्ट्रिप है मतलब पेपर की, रेक्टेंगल नहीं है ये। मैंने थोड़ा बहुत थिक सा पेपर लिया, ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है, कॉर्नफ्लेक्स के जो डिब्बे के साथ आता है वो वाला। एंड अब मैं धोती को काट रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर धोती पेस्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर फेस को पेस्ट कर रहा हूँ। ये
अब मैं यहाँ पर इनके ग्लासेस पेस्ट करूँगा। ग्लासेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी वो डंडी बना रहा हूँ उनके ग्लासेस के लिए। एंड अब मैं यहाँ पर दो सर्कल्स ले रहा हूँ जो मैंने वाइट वाले कार्डबोर्ड से कट करे थे, एंड मैं उनको यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरा वाला पेस्ट कर रहा हूँ सर्कल। अब मैंने यहाँ पर जो व्हाइट स्ट्रिप कट करी थी, अब मैं उसे गांधी जी के पीछे की तरफ पेस्ट करूँगा। तो मैंने व्हाइट स्ट्रिप के पीछे यहाँ गांधी जी के उस पर ये फेविकॉल लगा दी है। एंड यहाँ पर मैंने व्हाइट स्ट्रिप को दोनों साइड से यूँ पेस्ट कर लिया। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें व्हाइट स्ट्रिप के नीचे पार्ट को प्रेस नहीं करना साइड वाली। एंड यहाँ पर मैंने अब उनकी वो स्टैच लगा दी है मुझे। अब यहाँ पर मैं उनके लिए पैरों को चिपका रहा हूँ धोती के साथ में। यहाँ पर मैंने दूसरा वाला लेग भी इस तरीके से चिपका दिया है। एंड हमारे गांधी जी अभी पूरी तरीके से बन गए हैं, बस अभी हमें इनके हैंड्स को ज्वाइन करना है। सो यहाँ पर मैंने जो एक स्किन कलर की स्ट्रिप काटी थी, मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पीछे की तरफ। एंड मैं उसको ऐसे पेस्ट करूँगा लाइक उन्होंने अपने छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर हैंड रखा हुआ है। मैं दूसरे साइड से भी इसी टाइप से करूँगा। दूसरी साइड भी मैंने इस टाइप से ये ले लिया है। एंड अब मुझे इस वाले हाथ में गांधी जी की डंडी दिखानी है, लाठी दिखानी है। एंड वो मैंने कुछ इस टाइप से बनाई है। ठीक से पेस्ट नहीं हो पा रही थी। एंड अब मैंने यहाँ पर इनकी वो लाठी भी रेडी कर दी है। एंड अब मैंने उसको उनके हैंड के साथ में भी पेस्ट कर दिया है। अब मैं इनकी आई बॉल्स बना रहा हूँ जो चश्मे के अंदर थी। मैंने अब उनकी आई बॉल्स भी बना लिया है। अब गांधी जी ने जो वो पटका बांधा हुआ था, मैं उसके ऊपर पेंसिल से इस टाइप से लाइंस बना रहा हूँ। एंड यहाँ पर हमारे गांधी जी रेडी हो गए। सो गाइज, आई होप दैट आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।